बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ा। इसके लिए हम डालेंगे ऑयल में गरम मसाला, मेथी दाना, कड़ी पत्ता, अजवाइन, अचार का मिक्स मसाला। साथ में जाएगा प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जाएगा अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्चों का पेस्ट। ये इसमें चला गया। इसको डाल के थोड़ी देर फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जाएगा सुरख मिर्चों का पाउडर, हल्दी। हल्दी ज़्यादा डालनी है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डालना है, और नमक और खुश्क धनिया और काली मिर्च। इसका मैंने पेस्ट बना लिया। ये पेस्ट अब इसके अंदर डालेंगे। डाल के इसको मसाले को थोड़ी देर हम भूनेंगे। ये बेसन और लस्सी है, इसको हमने मिक्स कर लिया है। ये अब इसके अंदर जाएगा। ये अब इसमें उतना ही हम पानी ऐड करेंगे। ये मैंने इसमें लस्सी डाली है, आप दही की भी बना सकते हैं, लेकिन ये चाटी वाली लस्सी है। इसकी करी जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बस अब इसको पकने के लिए 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ी में बॉयल आने लग गया। अब इसके अंदर हम, ये एक टिप है छोटी सी, कि जब कढ़ी उबलने पे आ जाए ना, तो इसमें कोई बर्तन जो है ना वो डाल दो, स्टील का, तो इससे कढ़ी जो है ना उबल के बाहर को नहीं आएगी। जैसे उबल के मोमन बाहर को आ जाती है ना, ये ऐसे नहीं आएगी। पकौड़े ये मैंने काट दिया है, पालक, आलू, सब्ज मिर्चें और प्याज, इनको मैंने काट के अच्छी तरह से वॉश कर लिया। जिसमें भी सुरख मिर्च, खुश्क धनिया, गरम मसाला, ये है अजवाइन और खाने का सोडा और मेथी दाना, ये इसमें जाएंगे। और साथ में जाएगा बेसन। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इधर पकोड़े निकाल रहे हैं, निकाल के इनको कढ़ी में डाल देंगे। कढ़ी हमारी तकरीबन पक चुकी है। ये हमारे इधर पकोड़े तैयार हो रहे हैं कढ़ी के लिए, बनते हैं तो हम इनको कढ़ी में डालते हैं। ये हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं, अब इनको हम कढ़ी में डालते हैं। देखें कढ़ी भी माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।